मैंने रात में वीडियो डाला था सीरियल थर्ड पर। मैं मुझे एक लड़का बोला था कि केस हो गया है इस पर स्लीप अपटेक के कारण। स्लीप अपटेक क्या कहिए, उस लड़के की बात में आकर मैंने बोल दिया केस हो गया, लेकिन कोई ऑथेंटिक जानकारी मेरे पास केस के संबंध में नहीं है। जब फिर लड़का से लड़के सब काफ़ी फ़ोन करने लगे और तहकीकात करने लगे, हम तहकीकात किए, लड़का का सो फोन आया और जो लड़का ने हमको बोला था कि केस हुआ उसको हम बोले केस नंबर लाओ हम डालते हैं। लड़का केस नंबर देने में असमर्थ हुआ। इससे साबित होता है कि लड़के ने जो बनाया था, लड़के ने कहा था कि केस हो गया है, अभी तक मेरे पास ऑथेंटिक जानकारी नहीं दिया है। जो ही ऑथेंटिक जानकारी देगा उसको केस नंबर डाल देंगे, अगर नहीं हुआ होगा तब, अगर नहीं हुआ होगा केस तो हम इस पर कुछ नहीं डाल सकते हैं। लेकिन जहाँ तक रिजल्ट की बात है, रिजल्ट में मैं बार बार बोलता हूँ कि वेट कीजिए, रिजल्ट जब तक आप लोग उस पर काफ़ी प्रेस नहीं कीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं हो सकता है। केस की बात की बात में मैंने बोला था रात में, वो लड़का ने मैंने बोला था कि केस हुआ, तो हाँ सर विजय सर केस हुआ है, मैंने बोल दिया। लेकिन लड़का को मैं जब आप लोग फ़ोन किए तो मैं उसका जब ऑथेंटिक मांगा, केस नंबर मांगा, तो लड़का केस नंबर देने में कहा कि दे देंगे सर, लेकिन फिर सुबह में फिर फ़ोन आने लगा तो फिर मैंने केस नंबर मांगा, लड़का ने केस नंबर नहीं दिया। लगता है कि लड़का मेरे साथ बरगलाया। और इसके बाद लड़का को मैंने कोचिंग पर बुलाकर काफ़ी सुबह मैंने डांटा, बहुत कुछ कहा, मैं नहीं जानता हूँ कितना कुछ कहे से। इसके लिए जब कोई जानकारी, लेकिन हाँ रिजल्ट के विषय में जानकारी मिली है कि दिसंबर में, अगर क्योंकि चेयरमैन है, फुलफिल चेयरमैन नहीं है, अगर चेयरमैन फुलफिल होंगे तो रिजल्ट दे भी सकते नहीं दे सकते हैं, यानी 25 दिसंबर तक वेट कीजिए, और नहीं तो जाकर आप अपने आंदोलन कीजिए। लेकिन केस के सामने हम वेरीफाई किए थे, आपने फ़ोन किया था, मैंने सुबह लड़का को बुलाया, उन्होंने स्पष्ट शब्द में कुछ ऐसी बात को नहीं कहा। धन्यवाद।